नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। केथल शहर के बदलते हालात, कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें। 15 दिनों में 3 बार गोली लगने से हुई वारदात, जिससे केथल शहर में दहशत का माहौल। इन्हीं वारदातों के तहत आज सुबह एक नेता को देशी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी मिली। पल पल केथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। जहां हरियाणा के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व विधानसभा चुनाव मनाया, सरकार भी बनी, उसके साथ ही केथल में कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। लगभग 15 दिन के अंदर ही कई मामले गोली चलने के आ चुके हैं। पहले हुडा सेक्टर में नीरज मलिक को गोली मारी गई, उसके बाद दूसरा मामला केथल के ढान चौक में अमित पुहरिया को गोली मारी गई, तीसरा मामला गत रात्रि एक शादी में फायरिंग हुई। इसका स्पष्ट नहीं हो सका कि यह फायरिंग है या फिर जानबूझकर गोली मारी गई। सुबह होते होते कैथल शहर में चंदाना गेट व्यस्त जगह है, जहां पर बीजेपी नेता पालेराम सैनी की गाड़ी को रोक करके दो बदमाशों द्वारा देशी कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी दी गई। यह मामला जमीनी लेन देन का है, परंतु हम कह सकते हैं कि बदमाशों का कैथल शहर में पुलिस का डर खत्म हो गया और बदमाशों के हौसले बुलंद। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पालाराम सैनी को जान से मारने की धमकी मिली। पालाराम ने बताया कि जब वह घर से अपने चंदाना गेट स्थित अपने स्कूल में जा रहा था, तो रास्ते में बाइक सवार दो नकाबपोश उसे देशी कट्टा दिखाते हुए कि जो तेरा बलकार के साथ जमीन का लेन देन है उसे भूल जा, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कहते ही वहाँ से बाइक सवार फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर आपका नाम? पालाराम। पालाराम जी, एक जो हमें जानकारी मिली है, कोई धमकी मिली आपको, क्या है मामला? भाई साहब, आज सुबह में लगभग 8:15 बजे के आसपास अपने घर से अपनी गड्डी में बैठ के अपने स्कूल मूनलाइट प्रताप गेट पे निकला, तो जब मैं अपने स्कूल के पास पहुंचा, मैंने हमारे जो पूर्व प्रधान रहे हैं बीरबान सैनी जी, उनको फ़ोन किया कि प्रधान जी आप मेरे स्कूल में आओ, आपसे बैठ के मैंने कुछ बात करनी है। तो मेरा ड्राइवर कहने लगा चल बाबू जी उनको गड्डी में बिठा लेते हैं। तो हमने गड्डी को चंदाना गेट की तरफ मोड़ लिया। चंदाना गेट पर जाके प्रधान जी बोले भी मैं खुद ही आ जाता हूँ 10 मिनट तक, दुकान पर अकेला हूँ। तो चंदाना गेट के ऊपर से जैसे हमने गड्डी घुमाई है, गड्डी घुमा के हम स्कूल की तरफ आ रहे थे, तो गड्डी के सामने दो लड़के आए, उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था और उन्होंने हमारी गड्डी को रखवाया आगे हाथ करके। मुझे ये लगा भी शायद किसी गांव के कार्यकर्ता हैं, राम राम के लिए गड्डी रखवा रहे हैं। तो हमने गड्डी रोक दी। गड्डी रोक के जब मैंने शीशा नीचे उतारा, तो जो लड़का पीछे बैठा था उसने जींस की पैंट डाल रखी थी और उसने अपनी जेब से देसी कट्टा निकाल के, रिवाल्वर निकाल के मुझे धमकी दी भी तेरे को हम गोली मार देंगे अगर तू सीवण में जो तूने बलकार सिंह से ज़मीन ले रखी है, ना बलकार सिंह से तूने कोई बात करनी है और ना तूने उस ज़मीन पे जाना है, बलकार सिंह के हम बंदे हैं और कोई इस प्रकार की आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो इतनी बात जब वो मुझे बोल रहे थे, मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला फ़ोन करने के लिए अपने साथियों को, तभी वो भाग गए जी चंदाना रोड की तरफ। आगे क्या कर पुलिस कार्रवाई? मैंने उसी वक्त एसपी को फ़ोन किया है, डीएसपी को फ़ोन किया है, एसपी साहब ने मौके पे CTSHO को भेजा है, CTSHO मौके पे आया है और प्रशासन भी मौके पे आया है। प्रशासन को मैंने दरखास्त लिख के दी है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी की मांग करेंगे? बिल्कुल करूँगा भाई साहब। बोलो। मैं अपनी सेफ्टी के लिए प्रशासन से सिक्योरिटी की मांग करूँगा। क्या मामला है सर? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि पालाराम सैनी यहाँ के रहने वाले हैं, उन पर उनकी गाड़ी को रुकवा करके दो अज्ञात लड़कों ने उनको धमकी दी है पिस्तौल दिखाकर। जिस सूचना पर पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची है, मौका का मुआयना किया है और अभी इसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं क्या मैटर है क्या नहीं। उन्होंने किसी का नाम लिया गोराखेड़ी वालों के? कोई देखिए, बलकार सिंह गोराखेड़ी का है, जिनके साथ इनका वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के विवाद बताया गया है, तो उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे और इसमें
पालाराम जी के जो है वो हमने बयान दर्ज कर लिए हैं और मुकदमा दर्ज करके हम आगामी कार्रवाई की। नहीं अभी पुलिस ने मौके ही देखा है, मौका पर हमने CCTV फुटेज को भी चेक करने की अभी टीम जारी है और उनसे भी पूछताछ करेंगे, अभी वहीं जा रहे हैं सीधे हम। तो क्या शिकायत दी है पालाराम? पालाराम जी ने जो शिकायत दी है कि इनके ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हम कह सकते हैं, जिस पर ये पिस्तौल दिखा करके उनको जान से मारने की धमकी की उन्होंने हमारे शिकायत दी है।